the parliament. Let's cut across to that. बीजेपी के वरिष्ठ नेता साक्षी महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। साक्षी महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वक्फ नाम की, वक्फ बोर्ड नाम की कोई भी बात, किसी भी नाम का जिक्र तक संविधान में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन सर, इस बिल को लेकर के विपक्ष काफी विरोध कर रहा है, स्पीकर से भी मिल रहा है, जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लोग। विपक्ष की स्थिति ऊहापोह की बनी हुई है और किसी निर्णय की स्थिति में इसलिए नहीं जाता है कि विपक्ष कहीं कुछ रह नहीं गया है। चुनाव के परिणाम दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से होते चले जा रहे हैं, वो मोदी के पक्ष में हो रहे हैं, तो विपक्ष किंग कर्तव्य मूड है, विरोधी करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सर, यूपी बाय इलेक्शन में बीजेपी ने 7 सीटें जीती 9 में से, लेकिन संभल की जो घटना, जिस तरीके से वहां पर घटनाएं चल रही है, तनाव बढ़ा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया है और उसकी पूरे देश में, प्रदेश में प्रशंसा हो रही है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। मुझे लगता है उससे ही बौखला करके बहुत कानून तरीके से संभल में जो कुछ हो रहा था, तो ये जो घटना घटी है वो बड़ी शर्मनाक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। साजिश थी सर ये, क्या पहले से प्लान था? ये प्लान तो पहले से था ही, और ये प्लान केवल संभल के लिए नहीं, ये सारे देश के लिए ऐसे ही प्लान थे और हैं। मोदी हैं तो बचे हुए हैं। इधर साक्षी महाराज, जिनका कहना है कि संभल की घटना पूरी तरह से प्लांट घटना थी और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस घटना पर कड़ी कार्रवाई करें, दोषियों को सख्त सजा दें। संजय शर्मा, बिल की सदस्य मेघा कुलकर्णी जी हमारे साथ में मौजूद है। मेघा जी, विपक्षी दलों के सांसद पहुंचे जेपीसी के ओम बिरला के पास और मांग कर रहे हैं जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर, क्या कहेंगे आप? जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा ये तय होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जब से जेपीसी गठित हुई है, यहाँ भी हमारी मीटिंग हुई दिल्ली में हाउस में, और अलग अलग स्टेट में भी हम गए, पूरी तरह से अलग अलग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन रहा है, अलग अलग वक्फ बोर्डों का रिप्रेजेंटेशन रहा है, चाहे एमपी सत्ताधारी के हो चाहे विरोधक हो, उनको बहुत अच्छी तरह से समय दिया गया है। 25 से भी ज़्यादा सिटिंग्स हुई है, 100 से भी ज़्यादा विटनेसेस आके गए हैं और उनका प्रेजेंटेशन रहा है, तो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से जितना भी प्रेजेंटेशन होना था हो चुका है। फिर भी अगर कुछ उनको देना है तो सबमिट भी कर सकते हैं, लेकिन समय बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा हमारे वरिष्ठ नेता तय करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या मंशा इनकी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर के? हंगामा खड़ा करना, केवल इतना ही उनको वो जानते हैं, एकेडमिक चर्चा करने नहीं देते। आपने हमेशा देखा होगा कि कभी अध्यक्ष महोदय के तरफ बॉटल फेंक दी जाती है, कुछ होता है, मतलब इतना हंगामा खड़ा करना कोई जरूरी नहीं है। एकेडमिक चर्चा है और इसकी एक सिस्टम बना रहे, ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड का जो कायदे कानून थे कि हमारा ही कायदा चलेगा, ऐसा आगे से होगा नहीं। उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जमीन जो वो क्लेम कर रहे हैं तो उनकी है, बस इतना ही है। तो आखिरी सवाल है मैडम, प्रधानमंत्री आखिरी सवाल है मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन में कहा है कि वक्त को लेकर के यूपीए सरकार ने जिस तरीके से कानून बनाए और सारी संपत्तियां वक्त के हवाले कर दी, ये एक बड़ी बात है और इस पर लड़ाई लड़नी होगी। वक्फ बोर्ड जो बना है वो ही संविधान में नहीं है, संविधान के खिलाफ उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया है। आप अगर देखना चाहे तो स्वतंत्रता जब मिली तो उस समय केवल 35,000 इतने ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज थी, आज इतनी लाखों में प्रॉपर्टीज कैसे बन गई और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो संविधान के खिलाफ जो आज तक चलता आ रहा है वो चेंज तो जरूर होगा। मेघा कुलकर्णी, जिनका कहना है कि संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई उल्लेख नहीं है और वो आजादी के समय 35,000 वक्फ की प्रॉपर्टियां थी जो आज 9 लाख से ऊपर है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। दिनेश जी, जिस तरह से कि संभल में लगातार हिंसा का दौर जारी है और वहां पर कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कर्फ्यू तक लगाया गया, क्या कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर? नहीं, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लोगों को माननीय न्यायालय के जो भी आदेश है उसको मानना चाहिए और विपक्ष को राजनीति करने के बजाय जो कुंदरकी की हार है उसको संभल में ना निकाले और सब जातीय धर्म के साथ में सौहार्द बने इसके लिए कोशिश करना चाहिए। सर, पुलिस कर्मियों पे हमला हुआ, एसएसपी घायल हुए हैं, तो सर एक बड़ी घटना, आपको नहीं लगता कि ये क्या पहले से आपको लगता प्लान की हुई है या साजिश है? देखिए, जो कानून को हाथ में लेगा कानून अपना काम करेगा। सर, ये जिस तरह से महाराष्ट्र झारखंड के जो नतीजे आए, महाराष्ट्र में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है, एक रिएक्शन सर आपके? ये हमारे देवकुल कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, तीनों दल एनसीपी, शिवसेना, आरपीआई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामंजस्य और के नेताओं का नेतृत्व है और माननीय मोदी जी का और अमित शाह जी का मार्गदर्शन है। दिनेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और जहां तक बात है दोषियों की तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। संजय शर्मा हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद अरुण गोविल हैं। अरुण जी, संभल में जिस तरह की घटना घटी है, क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है वो घटना और नहीं होना चाहिए था। जब सर्वे के लिए कोई टीम गई है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार और बाकी सभी लोगों पर इस तरह का पथराव और गोलियां चलना, ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के सांसद और इलाके के सांसद ये कह रहे हैं कि अगर वहां इस तरह के आदेश नहीं थे, दूसरी बार सर्वे करने के लिए क्यों गए? आदेश रहे होंगे तभी तो टीम गई होगी ना सर्वे करने। सर्वे की जो टीम होती है वो कोर्ट के ऑर्डर से ही जाती है, अपने आप नहीं निकल जाती। उनका ये कहना था कि दूसरी बार सर्वे करना जाना था तो कोर्ट का आदेश लेना पड़ता। जो भी हुआ होगा आई एम वेरी श्योर अबाउट कि लीगल तरीके से ही हुआ होगा, इलीगल वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज बताएंगे कि अडानी को लेकर के विपक्ष जो है सो सवाल खड़े कर रहे हैं। आज भी लोकसभा में कांग्रेस सांसद ने नोटिस दिया स्थगन प्रस्ताव का, पता लगेगा क्या हुआ है एग्जैक्टली। जब तक सारी चीजों सही सही पता ना लग जाए तब तक उनके बारे में बयान देना मुझे तो ठीक नहीं लगता कभी भी। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम भोपाल यादव है। सर, संभल वाले मामले को लेकर के क्या कहेंगे सर? संभल में जिस तरह की जाति जिला प्रशासन ने, पुलिस ने जिस तरह से सीधे लोगों का गोली चलाई है, तो असम्य अपराध है और ऐसे लोगों के खिलाफ वहाँ के जज ने जिस तरह से दिया फैसला, वो भी 91 का जो कानून है उसके खिलाफ, ये इस तरह से अगर होने लगेगा कोई भी आदमी किसी मस्जिद को बता दे कि मंदिर है और फैसला जज देने लगे सर्वे कराने के लिए, देश में अहंकारी नहीं लोग, ये विघटनकारी लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कई लोग मारे गए हैं, पुलिस सीधे गोली चला रही थी सारे लोगों में। क्या सर इसे पार्लियामेंट में आप लोग उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे सर। ठीक है, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज। We have joined Congress MP Karthi Chidambaram. Karthi ji, PM us today. Parliament will run smoothly. But right now, Lok Sabha is the agenda. Yeah, the Parliament must run smoothly. I agree with the Prime Minister. The government must also give space to the opposition to raise issues which it deems fit. Not one adjournment motion is being admitted. And there are issues of importance which we want to discuss. And the government must allow us to raise those issues. And the Parliament will run smoothly. I mean, we are all for running of the Parliament smoothly. What's your demand? Our demand is an adjournment motion to have a discussion on the issues of about Manipur, about the indictment of a large corporate house by the Department of Justice, because this involves a public sector unit called the Solar Energy Corporation. हमारे साथ बातचीत करने के समाजवादी पार्टी सांसद जावेद अली खान है। जावेद जी, संभल में जिस तरह की घटना घटी है, क्या कहना चाहेंगे? संभल की घटना पूर्व नियोजित है जिसमें विश्वहिंदू परिषद, उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां का प्रशासन शामिल है। संभल के अंदर जो घटना हुई है वो लोगों को, बेकसूर लोगों को पुलिस की गोलियों से मारा गया है और विवादित मुद्दे उठा करके और जो विवादित नहीं है उनको विवादित बना करके उत्तर प्रदेश की सरकार 2027 की तैयारी में लगी। तो क्या आप लोग आज पार्लियामेंट में इस इशू को उठाएंगे? हमने नियम 267 के तहत राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करके संभल पर चर्चा कराए जाने की मांग। लेकिन यूपी सरकार जिस तरह से कह रही है और वहाँ के जो पुलिस हैं वो कह रहे हैं कि ऊपर से फायरिंग हो रही थी लगातार, पहले से सुनियोजित साजिश है।
सर्वे 19 तारीख को हो चुका था, दूसरी बार सर्वे कराए जाने की क्या जरूरत थी? सूरज निकलने से पहले वहां सर्वे करने के लिए अधिकारी और बाकी लोग पहुंच चुके थे, कभी आपने सूरज निकलने से पहले सर्वे होता देखा है? चलिए धन्यवाद, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी है। मैम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो हुड़दंगबाजी करते हैं और संसद को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो सफल नहीं होते। हम सबको दिखता है कि कौन कंट्रोल कर रहे हैं और कौन कैसे बात करते हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री जी जो उस पद पे बैठ के ऐसे बात करते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि एक प्रधानमंत्री ऐसे बोले। जो भी पार्लियामेंट में आते हैं, हम पब्लिक के अग्नि परीक्षा लेके आते हैं, इनकी मेहरबानी पे नहीं। हमें कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, आप बिठा दिए ना लोगों को इर्द गिर्द में जो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल आपकी आदत है। हाँ, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। मैम, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो कर्नाटक की गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि ईवीएम सेलेक्टिव हैकिंग? देखिए, कुछ तो गड़बड़ तो है। अगर हम आज के दिन कुछ करें तो कहें तो लोग सोचेंगे अच्छा यहाँ से हार गए इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, इसका सबूत हम निकाल रहे हैं और देखते रहिए, सबको समझ में आ जाएगी। तो आप लोग राज्यसभा में भी अडानी वाले मामले को आज उठाएंगे? अरे, सारा देश पुकार रही है इस बात पे, हम नहीं उठाए तो हम दोषी बन जाएंगे। हमारी मजबूरी है, फर्ज है देश के हित से, तो हमें बोलना ही पड़ेगा। क्या करें, ये तो नहीं बोले। कंट्रोल जो कर रहे हैं ना, वो तो यही कंट्रोल करते हैं कि ये इन बातों को हम, इन मुद्दों को हम नहीं उठा सकते, उठाएंगे। चलिए धन्यवाद, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी हैं। सर, आज पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र की शुरुआत है, कांग्रेस का क्या एजेंडा रहने वाला है? आज हमने नोटिस दी है 267 के अंतर्गत अडानी मसले पर, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी जुड़ी है, आर्थिक सुरक्षा भी जुड़ी है, औद्योगिक सुरक्षा भी जुड़ी, गंभीर प्रकरण। सर, आप यूपी से आते हैं और संभल वाले मामले को लेकर के क्या कहेंगे? ये चार लोगों की नृशंस हत्या है, पूरी तरीके से वहां फेल्योर। धन्यवाद, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मैम, आज हाउस एडजर्न हो गया था, पहले 12 बजे तक के लिए हुआ और अब 27 तारीख के लिए एडजर्न हो चुका है। ये तो मैंने कल ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने यही बोला था कि मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष पे एक कोई टैसेट अंडरस्टैंडिंग ही लगती है। आप पिछले जितने भी आप निकाले सेशंस हुए हैं, सेशन के 2-3 दिन पहले कोई मुद्दा निकलता है, उस मुद्दे को लेके विपक्ष डिस्कस करना चाहता है, सत्ता पक्ष उसकी मंजूरी नहीं देती है और एक हफ्ता 10 दिन ऐसे निकल जाते हैं। और उसके बाद जब हाउस चलने लगता है तब कोई ना कोई और मुद्दा, जैसे अब कल की बिजनेस में उसमें मैंने देखा कि वक्फ बोर्ड का बिल डाल दिया। जब वक्फ बोर्ड जेपीसी के पास है, उसका रिजल्ट, उसका कोई रिकमेंडेशन नहीं आया है, क्या होना क्या, तो आपने डाल कैसे दिया? सो उसके बाद ये वक्फ बोर्ड का शोर मचेगा और आखिर में जब 3 दिन रह जाएंगे, जोर जबर के साथ दिन में अपने बिल पास कराएंगे और सेशन खत्म। सो ये मुझे तो एक टैसेट अंडरस्टैंडिंग रहती है और इससे सबसे बड़ा नुकसान देश का हो रहा है, लोगों का हो रहा है, क्योंकि आज इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, किसानों का कितना बड़ा मुद्दा है, हमारे पंजाब की बात करें, हमारी फसल नहीं उठाई जा रही है, MSP नहीं मिल रही है, DAP की शॉर्टेज है, आज गरीबों का, बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दा है, संभल में देखिए माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। तो ये सब एक जो राजनीति जो चल रही है वो देश के लिए कुछ है। मैंने तो आज पार्लियामेंट में एक नई चीज़ देखी कि स्पीकर साहब कुर्सी से उठ के चले गए, ये बताया नहीं कि हाउस कितनी देरी तक अड़चन हुआ है। सो बहुत सारे नए नए पैमाने देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका जी, आज राज्यसभा जब शुरुआत हुई उसके बाद हंगामा हुआ और फिर स्थगित हो गया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की और उन्होंने कहा था कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, हुड़दंगी हैं, जो संसद को कंट्रोल करना चाहते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, मणिपुर में आग लगी हुई है इतने महीनों से और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई पीस बहाल नहीं हो रहा है, क्या ये जनता का मुद्दा नहीं है? अदानी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, हमारी कोई भी जांच एजेंसियां सतर्क नहीं है, ना उस पर कार्रवाई करी है, क्या ये गंभीर मुद्दा नहीं है? साथ ही साथ संभल में जो मौतें हुई हैं, उन सारी बातों को लेकर उस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सिर्फ एजेंडा हमारा ही चलेगा, हमारी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो मानते हैं, और कोई सदन चलाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की है, इतना ईजिली एडजर्न कर देना कहाँ से ठीक है?
और महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया है, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस दिन कहा था कि हमारे पुराने साथी ने धोखा दिया और जनता ने अब उसे धोखा दे दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी की बातों पे ज्यादा भी कुछ कहना नहीं चाहूंगी, जीते हुए हैं तो उस पर मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, पर जीत के साथ साथ जो अहंकार दिख रहा है वो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जी हैं। हेमा मालिनी जी, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए, कि पूरा देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम महाराष्ट्र में जीत के आना हमारे लिए सौभाग्य है, जरूरी था और हुआ है वो। लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक है, सेलेक्टिव हैकिंग है। हर वक्त यही कहते हैं लोग कि जब जीत जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ विपक्ष के लोग बोलना ये नॉर्मल है। तो वो यूपी में जो संभल की घटना घटी, थैंक यू सो मच। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। संभल में जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार प्रायोजित हिंसा है और बीजेपी उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहती है। नफरत की आग में, हिंसा की आग में, दंगों की आग में यूपी को झोंकना चाहती है। आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बड़े बड़े, उनके बेटे तो दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का धंधा कर रहे हैं, और गरीब आदमी को आप धर्म के नाम पे झगड़े करवा रहे हैं, लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आप बताइए, सर्वे का आदेश हुआ था काशी के मामले में, मथुरा के मामले में, वहाँ हिंसा नहीं हुई। तो ये सरकार प्रायोजित और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया हिंसा और दंगे का मामला है। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष को 80-90 बार जनता जो है वो नकार चुकी है। हालांकि हाउस के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्मूथली चलेगा, लेकिन अजान और अहंकार में प्रधानमंत्री जी को नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग चुनाव जीते हैं, हारे हैं इस देश के अंदर, और वो जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी भी कई बार उसकी भी जमानत जब्त हुई है, वो भी चुनाव हारी है। तो इसलिए आज ठीक है, आपको जनता ने समर्थन दिया है, लेकिन हमेशा ऐसे वक्त नहीं रहते हैं, राजनीति में उतार चढ़ाव लगता रहता है। हाउस अजान हो गया, हाउस अजन हुआ है अडानी के मुद्दे पे। मैंने भी नोटिस दिया 267 का। हम ये चाहते हैं सदन में चर्चा हो। आपने भारत के अंदर अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देके महंगी बिजली जनता को बेची है, क्या ये मुद्दा उठाना नहीं चाहिए? क्या ये मुद्दा सदन में चर्चा के लिए आना नहीं चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग लाओ बिजली के सेक्टर में, जिससे कि लोगों को सस्ती बिजली मिल सके, आप अनाप शनाप महंगे दाम पे बिजली बेच रहे हैं। आप भारत की बदनामी हो रही है अमेरिका में, मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां जहां अडानी जा रहा है यही धंधा कर रहा है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, हर जगह। NPS, ये किसने दिया? ये